एक पांच टाउन्स के लिए आपकी सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए जो है वो टेंडर किए गए। और जब भी कभी टेंडर होता है तो टेक्निकली शब्द हैं, यानी उसमें टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों जो हैं वो टेंडर लगने से पहले ठेकेदार जमा कराता है। और ये सैनिटेशन के जो पांच टाउन्स का जो बना है उसमें उसमें जो ठेकेदार जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनसे केवल और केवल टेक्निकल बिड मांगी गई। और जब वो टेक्निकल बिड मांगी गई तो उन पांच में से दो की टेक्निकल बिड रिजेक्ट हो गई, टेक्निकल बिड तीन की बची। उन तीनों को मौका दिया गया कि अब आप फाइनेंशियल बिड डालो। मिलके तीनों ने वहां पे बंदरबांट करके अलग अलग से प्रोजेक्ट ले लिए। इन प्रोजेक्टों के बारे में भी पूर्ण रूप से इसकी इंक्वायरी होनी अति आवश्यक है। क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के अंतर्गत एडीबी के अंतर्गत जिस समय टेंडर होते हैं तो उस समय हम लोग दोनों बिड्स टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों लेते हैं, यहां क्या कारण है कि फाइनेंशियल बिड नहीं ली गई? तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा घपला है। इस घपले के ऊपर पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को रखनी चाहिए। और उसके साथ साथ अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो विषय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 200 करोड़ रुपए की स्पेशल जो असिस्टेंस वो हिमाचल प्रदेश को आई है, आपको ये बताते हुए मुझे हैरानगी हो रही है कि वो 200 करोड़ रुपया जो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था वो पूरे का पूरा 200 करोड़ रुपया केवल नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो पानी की स्कीमों के सुधार के लिए लग रहा है। 60-60 करोड़ के तीन टेंडर हुए हैं और 20 करोड़ का चौथा टेंडर हुआ है। 200 करोड़ रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल और केवल नदौन को ही हिमाचल प्रदेश मानते हैं और उन्होंने पूरे का पूरा पैसा जो है वो वहां पे लगाया है। मुझे लगता है जब वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, क्या कारण है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है? क्या कारण है कि कुछ कंपनियां ही पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे काम कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है हमें इसकी तह तक जाना चाहिए और इसमें इन बातों की तरफ जो, क्योंकि मुझे लगता है ईएनसी प्रोजेक्ट इसमें सबसे ज्यादा जो उंगली है उनके ऊपर जा रही है। ईएनसी प्रोजेक्ट ने इन सारे विषयों को दरकिनार क्यों किया है? जब प्रोजेक्ट सतलुज से लग सकता था तो वो प्रोजेक्ट ब्यास से क्यों लगा? मुझे लगता है कि आपके चैनलों के माध्यम से और विधानसभा के अंदर भी हम इस विषय को उठाएंगे ताकि इसमें जो जिन्होंने गलतियां की है, जिन्होंने कमियां की हैं, उनको जो है सजा मिले, ऐसा मेरा मानना है।